सुबह हो चुकी है और यहाँ हर चीज पर बर्फ जमी हुई है। यू कैन सी दिस इज कसौल, पूरी बर्फ जम गई है यहाँ पर। अभी हम चल रहे हैं रिवर साइड, पार्वती रिवर कैंप के पीछे ही है एंड यहाँ सब कैंप में सब सोए हुए हैं, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यू कैन सी द व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह यहाँ पर। ठंड बहुत कम है, ज़्यादा ठंड नहीं है इस टाइम, लेकिन गलन है थोड़ी सी। कैंप के इस साइड से ही पीछे पार्वती रिवर की तरफ जाता है ये रास्ता। हाँ ठंडे हो रहे हैं, देखो आप वहाँ पर पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे आपको वहाँ पर। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। आपको रिवर की आवाज आ रही होगी उस साइड रिवर, और ये आ गया मेरा डॉगी, कम ऑन रवि। दिस इज द रिवर, पार्वती रिवर। You can see the ice is frozen, पूरा जम चुका है, लेकिन बर्फ नहीं गिरी है। 28 दिसंबर को बर्फ गिरी थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। और कसौल जिसके लिए जाना जाता है, पार्वती रिवर, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। ये ऊँचे ऊँचे पेड़ कसौल को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। सामने आपको दिखाई देगी आइस उस हिल पर, काफ़ी दूर है यहाँ से वो, एंड सच में बेहद खूबसूरत लग रहा है वो देखने में। फिलहाल मैं अभी पार्वती रिवर का मज़ा ले रहा हूँ, ये सच में काफ़ी खूबसूरत है यहाँ बैठना, इसको एक्सपीरियंस करना, इस आवाज़ को सुनना जो रिवर से आ रही है। पार्वती नदी के किनारे को पार्वती घाटी के नाम से जाना जाता है। इस घाटी के आसपास बहुत सारे ट्रैकिंग प्लेसेस भी हैं। कसौल कुल्लू से सिर्फ 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। कसौल हिमाचल के मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस में से एक है और यह यूथ में काफी पॉपुलर भी है। कुल्लू और मनाली की भीड़ भाड़ से दूर सुकून का एहसास दिलाता है। जो अभी इस पानी में आया का 10,000 रुपए इनाम उसको। मैं ना कौन देगा? कौन देगा? 10,000 रुपए मैं दे दूंगा। नहीं ना तुम समय पड़ने वाली है, मौसम बनना है, नहीं पड़ेगा। 10,000 रुपए तो नहाने के, तो मैं नहा लिया अभी जाके। तो पहले मुंह धो के ट्रायल करके आओ। जाओ कहाँ से आना पड़ेगा ये बताओ, पता है कहाँ से आना पड़ेगा? कूद जाओ यहीं से, कूदने की नहीं हो रही है। कसौल की मार्केट ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन यहाँ आप अपनी ज़रूरत का सामान ज़रूर खरीद सकते हैं। सो अभी हम आ गए मणिकर्ण, जो कि कसौली से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और ये गुरुद्वारा है। यहाँ मणिकर्ण में गुरुद्वारे के साथ साथ बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। यह अपने हॉट स्प्रिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट काफ़ी दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं।
दिस इज वे टू गुरुद्वारा। बहुत ही ज्यादा भाप है यहाँ पर, लोग नहा रहे हैं यहाँ पर, एंजॉय कर रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे कोई चार्ज नहीं है, गुरुद्वारे की तरफ से है। सब बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं वहाँ पर। एंड सच बताऊँ तो यहाँ पर बहुत ऐसा लग रहा है सब स्टीम बात ले रहे हो, ले सकते हो भाई। स्टीम इतनी ज्यादा स्टीम बन रही है ना, आप स्टीम बात भी ले सकते हैं। मैं पानी गर्म ही आ रहा है जहाँ से भी आ रहा है। पानी गर्म आ रहा है ना।